नागपुर महानगर पालिका की ओर से नागरिकों की तकलीफ दूर करने के लिए तत्कालीन आयुक्त तुकाराम मुंडे की पहल से शुरू किया गया नागपुर लाइफ सिटी नामक ऐप और प्रशासकीय कामकाज की दृष्टि से बनाई गई 18 समितियां बर्खास्त कर आवश्यकता होने पर ही नई समिति बनाने का आदेश महापौर दयाशंकर तिवारी ने गुरुवार को मनपा की ऑनलाइन आम सभा में मनपा आयुक्त को दिया। पूर्व महापौर संदीप जोशी ने भी हेलो महापौर नामक ऐप लॉन्च किया था, जबकि तुकाराम मुंडे की पहल से नागपुर लाइव सिटी नामक ऐप लॉन्च किया गया था। इस ऐप के जरिए किसी भी नागरिक सुविधा के संबंधित शिकायत घर बैठे दर्ज कराई जा सकती थी। मुंडे का तबादला होने के बाद भी नागपुर लाइव सिटी ऐप को नागरिकों का बेहतर प्रतिसाद मिल रहा है, लेकिन इस ऐप में नगर सेवक और पदाधिकारियों का समावेश न होने से एक ही ऐप रखने का आदेश महापौर ने दिया है। ऐप का नाम तय करने का अधिकार सदन को होने की बात भी उन्होंने स्पष्ट की। मुंडे ने प्रशासकीय कामकाज की दृष्टि से अतिरिक्त आयुक्त व मुख्य अभियंता के नेतृत्व में 18 समितियां बनाई है। इनमें पदोन्नति जांच समिति, साहित्य खरीदी समिति, सीमेंट सड़क समिति, अनुकंपा नियुक्ति मामलों के लिए समिति, कानूनी सलाहकार नियुक्ति समिति, आवश्यक कार्यों के लिए पड़ताल समिति, विद्युत विभाग के विकास कार्यों को तकनीकी मंजूरी के लिए समिति, दिव्यांगों की वित्तीय सहायता समिति, निवासी कमरा वितरण समिति, अंग्रेजी स्कूल शुरू करने बाबत समिति, विद्यार्थियों को टैब देने के लिए समिति, ग्रंथालय व अध्ययन कक्ष समिति, सफाई कर्मचारी विकास समिति, बोगस डॉक्टरों पर नकेल कसने के लिए समिति का समावेश था। इनमें से अधिकांश समितियां महापौर के आदेश से बर्खास्त हो जाएगी। महानगर पालिका में महापौर ऐप होने के बावजूद पिछले आयुक्त ने दूसरी ऐप का क्यों प्रारंभ किया था? प्रशासन इस बारे में कोई संतुष्टपूर्ण उत्तर नहीं दे सका। सभागृह में निर्णय लिया गया कि इस महानगर पालिका के एक ही ऐप होना चाहिए। महानगर पालिका के पास अलग शिकायत होगी, आयुक्त के पास अलग शिकायत होगी, ये प्रशासन के दृष्टि से उचित बात नहीं है और समाज में इसका अच्छा संदेश नहीं जाता। एक ही गाड़ी के हम दो चक्के हैं, इसलिए एक ही ऐप होगी। उस ऐप का नाम क्या होगा सभागृह के माध्यम से निश्चित करके आने वाले कार्यकाल में एक ही ऐप के माध्यम से जनता की समस्या का निराकरण होगा। पिछली ऐप में आयुक्त महोदय ने एक उद्देश्यपूर्ण ढंग से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को दूर रखा था, इसलिए उस ऐप में सुधार करके जनप्रतिनिधियों का असेस उस ऐप के माध्यम से होना चाहिए। इस प्रकार के निर्देश सभागृह के माध्यम से दिए गए। तत्कालीन आयुक्त मुंडे ने कई विभागों की 18 समितियां बनाई थी। विधायक प्रवीण तटके, स्थायी समिति अध्यक्ष विजय झलके, धर्मपाल मेश्राम ने इस पर आपत्ति जताई है। आयुक्त ने कहा है कि कानून में कहीं नहीं है कि समिति न बनाई जाए। दड़के ने कहा कि वे प्रशासकीय काम में हस्तक्षेप करना नहीं चाहते, लेकिन स्थायी समिति व सदन के अधिकार पर अतिक्रमण न हो। कैमरा पर्सन माइकल के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।